तुम्हारे भाई को प्यार का नशा हुआ है। ये तो पटाने वाला हैंडशेक है। हाँ तुम्हें नहीं आता? तेरी नियत में तो मन्नत तभी पता चल गया था जब तू एक्स वीडियो पे भाभी सर्च कर रहा था। ब्रश करके होता नहीं प्यार करेंगे जी चूतिए। उलटी आ गई, उलटी आ गई। ये हाथ किसे देख के हिला रही है? एक दो तीन। ये तो पटाने वाला हैंडशेक है। हमने इस आदमी ने कमर खुजाने के लिए दी थी, इसने उसमें छुराई घोप दिया। रुपेश भाटी, एक तो लेट आते हो, उसके बाद लड़की को गलत नजर से। छी, तुम क्रिकेट कॉलेज के लिए खेलते हो, इंडियन टीम के लिए नहीं। नाउ गो रोटेट द ग्राउंड फॉर 3 राउंड्स इन सर्कल। इयर्स ऑन योर हैंड। सर कैन आई बी अंपायर? आई कैन स्टैंड इन द सन फॉर 4 आवर्स। तेरी नियत में तो मन्ने तभी पता चल गया था जब तू एक्स वीडियोस पे भाभी सर्च कर रहा था, जबकि उस वेबसाइट पे लंच बड़ा करने का तेल भी मिले है। अरे उससे कुछ नहीं होता। अरे मेरे दोस्त ने लिया था। देख तने तो वो छोरी पसंद भी ना है, उसका पीछा करना बंद कर दे। चिराग मन्ने तू समझदार लागे है, तने छोरियों के बारे में नॉलेज भी है, तू बता। जाट, इफ उन्नति हैज चोजन जाटू ओवर यू, यू शुड रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एंड गिव देम योर ब्लेसिंग्स। यार कड़ा चूतिया है तू, कुछ ना मेरा तेरे छोरियों का, बैठ जा। अबे मैंने देखा है, वो पहले जाट को देखकर स्माइल की थी। हां तो हंसी तो आती है इसकी ढोंगे जैसी शक्ल देख के। साले एक घुसे में तेरे दांत गिरा दूंगा। हड़प्पा की खुदाई से निकला ना वही घुसा दूंगा। गाइस 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 लेट्स नॉट फाइट ओवर अ गर्ल यार, ऑलवेज रिमेंबर ब्रोस बिफोर हो। अरे मतलब दो दोस्तों के बीच कभी लड़की नहीं आनी चाहिए यार। सही बोला, दोस्तों के बीच। हाँ चल निकल। ब्रश करके होता नहीं प्यार करेंगे जी चूतिए। साले लुल्ली खड़ी होती है, उसके लिए भी बंदे लाएगा। सॉरी मैं लेट हो गई। इट्स ओके, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गया। मेरी आदत है, मैं हर जगह थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूँ। मैं तो स्लो साइकिलिंग रेस में भी फिनिशिंग लाइन पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूँ। एक्चुअली मुझे लगा था हाथों का ध्यान रखना पड़ता है, मेरा दिल तो पहले से ही साफ है। झाटू भाई वो एक सुट्टा दोन। Even you started smoking? हाँ वो अब एग्जाम्स का प्रेशर ही इतना है तो मैं दिन में 2 चैप्टर मतलब 2 सिगरेट पी लेता हूँ और एग्जाम टाइम में 1 शेयरिंग के साथ। थैंक यू। सुनो ये तुम्हारे दिन की पहली और आखिरी सिगरेट है, ठीक है? थैंक्स जतिन। चलो गेट आउट। तुम बहुत अच्छे यार, भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले और बॉयफ्रेंड सिर्फ एक को। यू आर अ वन वुमन। हाँ ठीक है निकलो। अपने हाथों से अपने दोस्त को उसकी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरा सुट्टा ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। पर तुमने अपने हाथों से उसे सिगरेट दे दी। मैं क्विट करना चाहता हूँ इसलिए जेब में रखता ही नहीं। अपने हाथों से अपनी जिंदगी भी खराब होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरा दोस्त ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे बारे में लोग जैसा बोलते हैं वैसे तुम हो नहीं। दरअसल मैं जालिम लोशन हूँ, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बस पैकेजिंग थोड़ी खराब है। वैसे बोलते क्या मेरे बारे में लोग? अगर पैसे ना हो तो झाटू मादर चुप को कुछ मत देना। जलता है मुझसे, उधार है ना इसका मेरे ऊपर। वैसे हॉस्टल में मेरे बारे में काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज है, तुम किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट तो नहीं हो क्या? चलो वॉक करके आते हैं। तुमने भी ना बैठे, दिमाग ही लगाना था तो पढ़ाई करती ना, स्पोर्ट्स थोड़ी ना खेलती। एक्सट्रीमली एक्सट्रैक्टली हाँ वही पता ना लोग हमने पहलवान बुद्धि क्यों बोले हैं। डोनेशन तू भी 15 लाख स्पोर्ट्स कोटा। गूगल करके खेले, जब खेलना ही नहीं आता तो बुलाया क्यों? थर्ड तो फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करनी थी ना। ये था तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? या वी शुड लुक आफ्टर मदर अर्थ, नो दैट्स व्हेन शी विल केयर फॉर अस। तुम्हें नहीं लगता हमको किसी नॉर्मल जगह चिल करना चाहिए? हाँ
तुम्हारे हॉस्टल में। इसी बहाने तुम्हारे दोस्तों से भी मिल लूंगी, अंकित, चिराग, जाट। पूरा साफ कर दूंगा आज। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घोड़ा टेढ़ा क्यों चलता है। वो तन्ने बेरना है के यार, और जंग में टेढ़ा चलना लाउडेड है। शुरू करें। G201 के मिसाइल भी है क्या इस गेम में? नहीं, मेरा रूम नंबर। उन्नति थारी रूममेट है ना? हाँ, क्यों? किसी का बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ना है ना? नहीं, पर वो बता रही थी उसे तुम्हारे हॉस्टल का कोई पसंद है, शर्मीली टाइप से ना, तो बताया नहीं कौन। मैंने भी बोला बिंदास ट्राई करे। सारे फसाद की जड़ तू है, स्पोर्ट्स कोटा। हाय, कम सिट। यहाँ तो हम अकेले हैं। हम दोनों अकेले कैसे? I mean, तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ है? उनको प्राइवेसी का मतलब बताया मैंने, बॉयज हॉस्टल है ना, भूल जाते। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगा हमारे बीच क्या होने वाला है? ठीक है, मतलब तुम चाहती हो तो मैं फर्स्ट मूव करता हूँ, लेकिन देखो डोमिनेट तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप इट, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? What? तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? मुझे जाट पसंद है। कौन जाट? जाट। तुम सबके सब सिंगल हो, इसी बहाने तुम्हारे दोस्तों से भी मिल लूंगी, अंकित, चिराग, जाट, रुपेश भाटी। हाँ हाँ, रुपेश भाटी, हॉस्टल 3 का रणदीप हुड़ा। मुझे लगा होगा तुम्हारे साथ। अरे तुम डायरेक्टली उससे पूछ लेते ना यार, तुमने मेरा की चुतिया काटा। ये सब मेरे दोस्त की गलती है, उसने बोला किसी के करीब होने से पहले उसके दोस्त को पटा ले। और तुम मान गई? अरे कैसी औरत हो, मतलब थोड़ी, मतलब अपने बाल तो बिखरा लो यार, बाहर लोगे उनको कुछ तो लगना चाहिए। सुनो ना उन्नति, प्लीज गेट लॉस्ट। अरे गलती से निकल गया किसी और का नाम, बुरा क्यों मान रही हो? फक ऑफ। राम राम। राम राम। आखिर सब कुशल मंगल हो ही गया। और आप यकीन नहीं करोगे पर मारा भी पहले से क्रश था आपके ऊपर। हाँ, मेरा भी, पर वो सब फालतू रूल के चक्कर में गड़बड़ होगी कि टेढ़े चलो ये वो। अब से तो मैं सीधा आपके रूम में आ जाया करूँगा, बिना दरवाजा खटखटाए। एक्चुअली मैं कुछ क्लियर करना चाहती। देखो 21वीं सदी चल रही है, दहेज में तो हम भी नहीं मानते, पर दो गाय, दो भैंस और एक SUV, ये सब तो सगुन की दी जावे। वो चारू है ना? हाँ, घड़ी अच्छी दोस्त है हमारी। हाँ, तो उसे भी आप पे क्रश डेवलप हुआ है। कब, कैसे? अरे उसने रूल्स ना बेरे के, उसने तो फ्रेंड जोन होना था। बेचारी फिल्में भी तो ना देखती। तो अब कोई ना, मैं दिल पे पत्थर रख के कर लूंगा एडजस्ट। हमारे दादाजी ने भी दो दो ब्याह किए हैं, सौतेले दादाजी। तो अब हमने डिसाइड किया है रुपेश, दिस कांट वर्क। उन्हें बेरा था, बिना पगड़ी के नहीं मानेगी लड़की। ना ना, I obviously like you। दरअसल हमारा मानना यह है कि दो दोस्तों के बीच लड़का नहीं आना चाहिए। राम राम।